ठीक है, देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस कौन सा पेपर बोलोगे? CC 14। और वहां पे और एक पेपर है कौन, उसका प्रैक्टिकल। ठीक है, आज जो हम लोग अभी जो काम करेंगे वो किसके ऊपर? थ्योरी के ऊपर। जब प्रैक्टिकल होगा तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखो एक बात सुनो, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना, ये टॉपिक को हम लोग न्यूमेरिकल मेथड भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन भी बोल सकते हैं, बट न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलना सबसे अच्छा है। उसका पीछे मैं कारण बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। अभी टाइम, अभी जब टॉपिक को पढ़ाएंगे ना, साथ ही साथ जब हम लोग का कुछ चैप्टर हो जाएगा, तो कम से कम 50-60% होने के बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलना सबसे बेटर होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं है क्या, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स या फिर क्या, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। ठीक है सर, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग करते क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस पे हम लोग रूट निकालते हैं, इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालते हैं, डेरिवेटिव का वैल्यू निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे सर हम लोग तो किए थे, मैंने बोला कि एक इक्वेशन x²-5x+6=0, ये तो सीधा अचर जो या फिर फैक्टराइजेशन से कर दोगे ना, बैलेंसिंग मेथड से कर दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा x का वैल्यू x-2 और x-3 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा x=2 और x=3 आ जाएगा। सर इसका नहीं, अगर सर आप ये भी देखिए, x²-3x+2 यहाँ पे क्या आता है, x=1 और 2। अच्छा, मैंने बोला कि सर अगर कुछ भी हो जाए, ax²bx+c, देन मैं बोल सकता हूँ कि x=-b+√b²-4ac/2a। ये कहाँ से हो गया, सीधा से फॉर्मूला से हो जाएगा ना, कोई भी क्वाड्रेटिक देगा तुमको, तुम सीधा से कर दोगे। अब तुमको मैंने बोला कि तुमको सपोज मैंने क्यूबिक दे दिया cx+d, क्या होगा यहाँ पे बोलो तो, इसको सॉल्व कर लोगे ना बाय कार्डन। मैं नहीं लिख रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, कार्डन मेथड तो हम लोग सीखे थे ना, कार्डन मेथड कहाँ पे था, फर्स्ट सेमेस्टर में, कार्डन मेथड से सॉल्व कर लेंगे सर। दिस इज द एनालिटिकल मेथड, इस इक्वेशन का एनालिटिकल मेथड कार्डन मेथड, इसके लिए सीधा से कर देंगे सर। अगर 4 डिग्री दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे सर, फेराड़ी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फेराड़ी फेराडीज का नाम भी नहीं लिख पा रहा हूँ, दाम भी उतना ही है ना, नाम लिखने में तो दिक्कत होता है, फेराडीज मेथड। ठीक है, ऐ समझ पा रहे हो, फेराडीज मेथड तक, ऐ इसके बाद और नहीं कर सकते हो, क्यों बोलो तो, इसके बाद और क्यों नहीं कर सकते, नहीं होता है, बात सही बोला वो सर। इसके बाद जो हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं, जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, रूट करना, रैशनलाइजेशन करना, ठीक है, रेडिकल के ऊपर जो हम लोग काम करते हैं, इससे 4 डिग्री से ज्यादा काम नहीं होता है। तुम बोलोगे सर हम लोग तो सॉल्व कर देते हैं, x-5 1 to the power 5 = 0, x = 5 √4 आ गया, ये तुम क्या, एक क्लास 2 का बच्चा भी कर देगा। ठीक है, बट मैं अगर तुमको बोलूँ कि इसको सॉल्व करके दिखाओ तो cx³dx² + ex, हाँ, ये जो 5 डिग्री वाला इक्वेशन है इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है जनरली, इसका रूट्स
निकाल नहीं पाओगे, इसका कोई जनरल मेथड नहीं हो सकता है। इसको प्रूफ किया था मैथमेटिशियन कौसी ने, ठीक है। तो एक बात सुनो, तो मैथमेटिशियन कौसी ने पहले प्रूफ किया था कि इसका कोई जनरल मेथड हो ही नहीं सकता है। तो इसका जब फॉर्मूला निकल गया ना, फेराडी मेथड निकल गया, तो बाद में क्या हो गया बोलो तो, और भी मेथड है, ऐसा कोई नहीं है, और भी मेथड है यहाँ पे, ठीक है। बाद में इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन एकदम लगा पड़ा, करते रहे नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। तो कौसी ने पहले बोल दिया कि देखो इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। समझ पा रहे मेरे बात, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। तुम सियालदा गए हो, सियालदा जाके बोले हो कि मुझे लंदन का फ्लाइट पकड़ना है, तो तुमको क्या बोलेगा? सियालदा में तो ट्रेन से तुमको जाने मिलता है, तो लंदन का फ्लाइट तो वहाँ पर नहीं हो, तुमको दमदम एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जाना पड़ेगा ना। तो सेम बात, इसका लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन है। मैथमेटिशियन ने पहले नहीं जानते था, ठीक है। जब कौसी ने प्रूफ दिया था, उसके बाद मालूम चला कि 5 डिग्री 4 डिग्री से हायर डिग्री का कोई जनरल मेथड नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग जनरली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सर आप यहाँ पे क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला कि कोई मुझे इक्वेशन दिया x^(-x^12+x+1, चलो मैं सिर्फ अभी एलजेब्र की लिखा, अभी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन मैंने नहीं लिखा है। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे एक्सपोनेंशियल साइन कॉस लॉगरिथमिक a^x सब इन्वॉल्व होगा, अच्छा। जो इक्वेशन प्योरली पॉलीनोमियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर पाओगे? सर डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सर इसको सॉल्व करना चाहिए क्या? होता है, बहुत सारी जगह पे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। ए देखो मैंने क्या बोला कि ये जो हायर डिग्री एलजेब्रिक इक्वेशन है, 50 बोलो 100 बोलो, इस इक्वेशन को सॉल्व तुम जनरली नहीं कर सकते हो। बट सर इसका मुझे रूट चाहिए, तो इसका रूट एक्यूरेट मिलता भी नहीं है, बट अप्रोक्स अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा ना। कोई अगर अप्रोक्स बोल दे, हाँ अप्रोक्स बोल दे, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक डिजिटल जो इंटरेक्टिव फ्लैट प्लान है वो मुझे खरीदना है, अगर मुझे उसका कोई अप्रोक्स प्राइस बोल दे तभी तो मैं दुकान में खरीदने जाऊंगा ना। तुमको अप्रोक्स प्राइस मालूम नहीं है, तुम कैसे सोचोगे कितना एटीएम से वो मनी उठाना है, या फिर पापा को बोलना है सर इतना पापा मुझे इतना ये कर दीजिए, ठीक है। तो अप्रोक्स एक आइडिया होना चाहिए ना, ठीक है। एक बात सुनो, ये तो हो गया, हम लोग रूट्स कैसे निकालते हैं। जैसे एक इक्वेशन मैंने दिया, चलो एक इक्वेशन मैंने दिया x^(-log x)+e^(x)=0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम? कर पाओगे? कोई भी कार्टन से कर दोगे क्या? अरे पॉलीनोमियल इक्वेशन नहीं है, कार्टन से कैसे कर दोगे? ठीक है, कार्टन नहीं कर पाएगा इसको सॉल्व, ठीक है। इसके लिए क्या करना है? हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। क्या किससे सॉल्व करेंगे बोलो तो? न्यूमेरिकल मेथड। इसमें मैंने एक लॉजिक बोला, न्यूमेरिकल मेथड में एक बोला क्या? रूट फाइंडिंग करना। तो रूट फाइंडिंग का एक बात तुम लोग समझ गए कि हम लोग क्या करते हैं, रूट को फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं? रूट को फाइंड करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया ना। रूट फाइंडिंग क्या लिखो? रूट फाइंडिंग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का रूट फाइंडिंग कर देंगे। सर इक्वेशन कितना टाइप का होता है? न्यूमेरिकल में हम लोग जनरली दो टाइप के इक्वेशन देखेंगे, एक होगा एलजेब्रिक इक्वेशन और एक होगा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इक्वेशन कितना टाइप का होता है? इक्वेशन आर टू टाइप्स, इक्वेशंस आर टू टाइप्स। हम लोग यहाँ पे एक पढ़ते हैं क्या? एलजेब्रिक इक्वेशन, एंड दूसरा जो पढ़ते हो क्या? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है। एलजेब्रिक इक्वेशन हम लोग उसी को बोलते हैं जो इक्वेशन देखने में ऐसा कुछ होगा, x^(a^0), x^(a^1), a^1-1, a^n-1x, a^n=0। दिस इज एलजेब्रिक इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होगा, अगर f(x=0) की इक्वेशन है जिसमें क्या इन्वॉल्व है? एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, लॉग एक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब इन्वॉल्व, एंड सो ऑन, और भी कुछ दे दो,
जैसे एक ही क्वेश्चन मैंने बोला ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना एनालिटिकल कोई मेथड नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए कोई हम लोग का क्या मेथड नहीं है, एनालिटिकल मेथड नहीं है। एनालिटिकल मेथड मतलब जैसे सीधा जैसे इससे क्या था कार्डन, ठीक है। तो सर एक बात सिंपल है, न्यूमेरिकल में एक बात तो क्लियर हो जा रहा है कि जो चीज डायरेक्ट नहीं कर सकते, हाँ किसी को मैंने सॉल्व करने दिया ए इसको सॉल्व करो, वो आप क्या कर रहा है सर न्यूमेरिकल एनालिसिस का दो तीन बुक लेंगे, दो तीन बुक लेके वहां पे जाएंगे कहां पे इक्वेशन का रूप निकालते हैं, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद उसको बाद में मिला टू और थ्री है तो तुम उसको क्या बोलोगे, पागल बोलोगे ना, क्योंकि इसके लिए तो न्यूमेरिकल नहीं बनाया ना सर। कर सकते हैं ऑब्वियसली कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, यहाँ से सियालदा जाने के लिए मैं अगर फ्लाइट अगर भाड़ा करूँ तो दिक्कत नहीं है, मैं 50-60 लाख दे के एक कंपनी से बुक कर लूंगा, तुमको सिर्फ क्या करना है यहाँ से जाके सियालदा के मुझे रुक देना है, मैं उतर जाऊंगा, मेरा जो मैं जो बोला था उस बात को मैंने रख लिया, और बाकी जन मुझे क्या बोलेगा, बाकी जन सोचते हो क्या बोलेगा, तुम लोग सोच लो क्या बोलेगा, ठीक है समझ पा रहे मेरी बात ना। तो मैं बोलने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, जिस टाइप का काम जनरली हम लोग मैथमेटिकली काम नहीं कर पाते, कोई भी एनालिटिकल मेथड से काम नहीं कर पाते, सिर्फ तुम इक्वेशन से मत सोचो, डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग किए ना, मुझे बोलो तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग किए थे थर्ड सेम फोर्थ सेम में किए थे, बहुत सारा मेथड किए हो, अब उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने मन से कुछ नया फंक्शन और दे दो तो देखने में क्रिटिकल हो जाएगा ना। अच्छा मैंने बोला कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डीवाई डी एक्स साइन एक्स अच्छा इंटू ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स 100 टू दी पावर 2x अपॉन 0.1 ई टू दी पावर लॉग एक्स ठीक है 5 कॉस एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर। सर आपने क्या लिखा, मेरे मन से जो आया वो लिख दिया ताकि तुम सॉल्व ना कर पाओ, अच्छा मैं ताकि तुम सॉल्व ना कर पाओ जनरल मेथड से, तो सर यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, हाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो सर बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ है बट इसमें टाइम लगता है, हाँ क्योंकि क्रिटिकल है ना, इसमें बहुत सारा मेथड यूज करना पड़ता है, हाँ कुछ कुछ मेथड है कि किसी क्वेश्चन के लिए ये मेथड बेटर होता है, किसी के लिए ये बेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ मेथड है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है, उसमें कोई मेथड अच्छा होता है, कोई मेथड थोड़ा उसमें वीक होगा, किसी मेथड में ये अच्छा चलेगा, तो सर वो कहाँ पे सीखेंगे, उसी लिए तो नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग जब रूट निकालेंगे ना, तो रूट निकालने के टाइम में हम लोग चार पांच मेथड तो सिलेबस में ही है, चार पांच तो मेथड सिलेबस में है, और भी मेथड है जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है मेथड तो बहुत है, पहले वो बात क्लियर करो सर। हाँ बोलो, हाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस कोई भी सॉल्व कर सकता है, और फिर एक बात आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेट, उसमें एरर रहेगा। अब तुम बोलो न्यूमेरिकल का काम क्या है, एरर को घटाना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते क्यों बोलो, तो एक कंपनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों रखता है कि उसमें उस कंपनी का जो काम हो रहा है उसका जो बीच बीच में काम में जो दिक्कत होता है वो उसको कोप अप कर दे, या फिर जो बड़े सिंपल बात है किसी भी उसका जो ये है मतलब उसका जो एक्सपर्ट है उसको इसलिए रखा जाता है कि उसका बीच में कोई अगर प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का काम क्या है, मैथमेटिकली बहुत सारा चीज़ है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट काम नहीं कर पाते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को तुम क्या कर पाओगे, सिर्फ देख पाओगे, देखने से ज़्यादा कुछ कर पाओगे क्या, इसको भी देख पाएंगे सर, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है समझ पा रहे मेरी बात। और सर इसको देख भी पाएंगे, रूट भी बोल देंगे एक सेकंड में, पांच रूट ठीक है वो अलग बात है, ठीक है वो तो मैंने अपने मन से सेट किया था सर, पांचों फैक्टर अपने पावर में फाइव कर दिया हो गया, ठीक है ये समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, मैथमेटिकली बहुत सारे काम हम लोग पहले से कर चुके हैं, तो मान लो कि क्लास 7, 8, 9, 10 में जितना सारा काम कर लिए हो वो सब काम यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे जो काम होगा उसी का क्या होगा बोलो तो जनरलाइजेशन में, रूट निकालेंगे बट ये सब का नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे कोई भी इक्वेशन, कोई भी जनरल इक्वेशन दे देगा उसका रूट निकालेंगे बाय द न्यूमेरिकल मेथड। कैसे कैसे मेथड आता है वो मैं धीरे धीरे बोलूंगा, किस मेथड का कहाँ पे इंपॉर्टेंस ज्यादा है कहाँ पे कम है वो मैं बोलूंगा,
पहले तो ये बात क्लियर हो गया, रूट निकालने के टाइम मुझे क्या हेल्प करता है, रूट निकालने के टाइम मुझे न्यूमेरिकल एनालिसिस न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग काम कर पाते हैं, ठीक है, एक बात क्लियर हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे वो है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और एक बात सुनो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग दो तीन क्लास तो एक चैप्टर में पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ऑपरेटर का काम करेंगे, उसके बाद एरर क्या होता है, एरर का टाइप क्या होता है, कैसे हम लोग एरर को घटा सकते हैं, और एरर में किस किस टाइप का एरर है, और कौन सा एरर कहाँ पे ज्यादा इफेक्ट करता है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन चैप्टर आएगा, सबसे मेन चैप्टर जो है वो है इंटरपोलेशन। अच्छा, मैं एक बार इंटरपोलेशन को इसलिए बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दूंगा ताकि तुमको न्यूमेरिकल एनालिसिस को समझने में आसानी पड़े, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो मैंने बोला कि एक कुछ यार से ए मैंने एक्स लिया, एक्स को मैंने क्या बोला, यार, ठीक है। अच्छा, एक्स को यार बोला, एक्स और उसका जो वैल्यू है f of x माने y equal to f of x, इसको क्या बोला, y equal to f of x, इसको क्या बोला, this is population, this is population, ठीक है, यार and population, ठीक है। अब सुनो, मैंने बोला कि सपोज मानो कि 1971 में पॉपुलेशन है सपोज 30 करोड़, कंटी का बोलना, अच्छा 1981 अपने मन से लिख रहा हूँ, अच्छा 1981 41 करोड़, 1991 55 करोड़, 2001 79 करोड़, 2011 70, ये क्या कर दे 109 करोड़ कर दे, चलो जो हुआ देख लो, 2021 135 आया है क्या, ठीक है। ए, देखो ए, इतना आया, समझो मेरे बात को, ये जो यार है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, फंक्शन है ए, एक्स क्या है बोलो तो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड f ऑफ x इज ए डिपेंड माने y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैंने तुमको बोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर, एक फंक्शन है y इक्वल टू x स्क्वायर, एक फंक्शन है, 1 पुट करोगे तो कहां पे जाएगा सर, 1 पे जाएगा, 2 करने से कहां पे जाएगा, 4 पे, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, तो सर एक बात सही है, वो तो एक आपका पॉलीनोमियल है, मतलब फंक्शन एक पॉलीनोमियल भी हो सकता है, ट्राइगोनोमेट्रिक भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, मिक्स्ड अप भी हो सकता है। तो मुझे एक बात बोलो तो, ये जो पॉपुलेशन है कितना पॉपुलेशन है, 1971 में ये है, 1981 में ये है, ठीक है, तो ये तो दिख रहा है, बट किसी को ये लगा कि मुझे 2019 का पॉपुलेशन चाहिए, 2019 का पॉपुलेशन चाहिए, है यहाँ पे डाटा पे, है डाटा पे नहीं है ना, तो बोलो तो मैं इस डाटा को देख के अगर मैं उसका पॉपुलेशन अगर निकाल सकता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा ना, उसके लिए न्यूमेरिकल मेथड अच्छा होगा। तुम बोलोगे सर 2019 में पॉपुलेशन 109 से लेकर 135 करोड़ के बीच में ही होगा, वो तुम नहीं, वो कोई भी बोल देगा, ठीक है, जो देख सकता है, जो सुन सकता है वो बोल सकता है, ठीक है। और बाकी कैसे बोल देगा, 2019 में अगर मुझे परफेक्ट बोला है तो किसका हेल्प लेना है, साइंटिफिक रीजन कुछ देना है कि देखो ऐसे ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे ये होता है। तो एक बात सुनो, जो पॉपुलेशन है उसको मैं एक अप्रोक्स एक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। अच्छा, उस पॉलिनोमियल को ऐसे प्लॉट करेंगे कि हर एक ईयर का उसका क्या दिखेगा, मुझे एक अप्रोक्स वैल्यू दिखेगा। तो बोल गए सर ऐसा पॉलिनोमियल प्लॉट किया जा सकता है, मैं तो करके दिखाऊंगा वो सब, ठीक है, बहुत सारा टाइप है। तो एक बात समझ पा रहे हो कि कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्स है सर, कुछ एक्स है, एक्स है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है बोलो तो, एफ एक्स है, एक्स नॉट बोलो, एक्स नॉट, वाई नॉट या फिर एफ एक्स नॉट, एक्स वन, वाई वन, एक्स टू, वाई टू एंड सो ऑन, एक्स एन, वाई एन, ऐसे कुछ डाटा गिवेन है।
अब इसके बीच में तुमको तुमको पहले या फिर स्टार्टिंग में लास्ट में तुम चाह रहे हो 2019 का क्या देखना, पॉपुलेशन देखना, तो तुम किसका हेल्प लोगे? पिछले पुराना जो डाटा है उसका हेल्प लोगे ना, पुराना डाटा का हेल्प लोगे ना, तो पुराना डाटा का हेल्प लोगे तो इसके इसको बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड इंटरपोलेशन। इससे हम लोग जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड इंटरपोलेशन। मैं जस्ट थोड़ा नाम बोल रहा हूँ, एक एक क्लास में एक एक टॉपिक जाएगा, ठीक है? सर मुझे चाहिए 1972 का पॉपुलेशन चाहिए, तो हो जाएगा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हो जाएगा क्योंकि मैं फॉरवर्ड का डाटा देख रहा हूँ ना, फॉरवर्ड का डाटा देख के मैं पॉपुलेशन निकाल रहा हूँ। समझ पा रहे हो ये बात? सिर्फ ये पॉपुलेशन के लिए क्यों है? अगर मैंने तुमको बोला, तुमने एक काम किया, क्या काम किए कि एक कंपनी है, एक कंपनी है 2001 में उसका सेल हुआ है 4 करोड़, 2003 में उसका सेल हुआ है 6 करोड़, 2005 में हुआ है 9 करोड़, 2007 में हुआ है 13 करोड़, ठीक है, 2009 में हुआ है 18 करोड़, ऐसा कुछ वो सेल किया है कंपनी का जो सेल्स है इतना, ऐसा कुछ है। अब तुम क्या चाह रहे हो कि मुझे 2018 का सेल देखना है कितना था, बट वो तो डाटा में है नहीं, डाटा में है नहीं। पॉपुलेशन में एक ही हालत होता है, 10 साल के बाद हम लोग करते हैं पॉपुलेशन का काउंटिंग। तो यहाँ पे सर क्या करें, तो 2008 का मुझे चाहिए सर, 2002 का चाहिए, 2005 का चाहिए, 5 तो है, 2004 का चाहिए। ये सब हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे? बाय द न्यूमेरिकल मेथड। और इसमें जो हम लोग काम करते हैं न्यूमेरिकल का, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। हाँ, न्यूमेरिकल मेथड में एक पोर्शन आता है जिसका नाम क्या है? इंटरपोलेशन, जो हम लोग जल्दी देख लेंगे। क्लियर है इतना तक? है, समझ पा रहे हो? तो हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं? कोई बोला सर आपने तो वैल्यू निकाल दिया, अगर कोई आपको बोलेगा कि सर यहाँ पे सपोज एफ डैश, यहाँ पे मुझे कोई बोल रहा है कि सर एफ डैश 2019 निकालना है, फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी होगा ना। अरे फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो हम लोग डेरिवेटिव भी निकालेंगे। सेम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। सपोज मानो कि एक कार है, बात मत करो, सपोज मानो एक कार है, एक्स नॉट टाइम पे एक जगह पे था, वाई नॉट एक्स वन टाइम पे एक जगह पे था, एक्स टू टाइम पे वाई टू जगह पे था, एक्स एन टाइम पे यहाँ पे था। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या है? उसका स्पीड, उसका स्पीड मान लेना ना। तो समझ पा रहे हो, डेरिवेटिव का भी बात आएगा यहाँ पे, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, कुछ एक्स के लिए कुछ वाई रहेगा, उससे लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर उस रेंज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रेंज के अंदर हम लोग किसी पॉइंट के डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सभी निकाल सकते हैं। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो ये हो गया, एक काम हुआ रूट फाइंडिंग। अच्छा, रूट फाइंडिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके बाद और एक आता है क्या, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। बोलो तो कैलकुलस में क्या होता है? कैलकुलस में दोनों ही होता है ना, एक इंटीग्रल कैलकुलस एक डिफरेंशियल कैलकुलस, डेरिवेटिव और क्या, इंटीग्रेशन। जैसे मैंने तुमको एक इंटीग्रेशन दिया, देखो कहाँ गया भैया, मैंने तुमको एक इंटीग्रेशन दिया, चलो इसको आप कर देते हैं। अभी सब्जेक्ट में नहीं आया हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट में अभी नहीं आया हूँ सर, इसीलिए तो बात कर रहे हैं, अभी सब्जेक्ट में आप नहीं आए तो इसीलिए तो बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे सब्जेक्ट ही है ये, ठीक है, सब्जेक्ट ही है, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी होता है कि व्हाट इज द इंटरपोलेशन लिख लो, एक दो शाम थ्योरम लिख लो, क्लास खत्म, ठीक है। सब्जेक्ट का जो ये है कोर कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट किस धर किस किस वे में जाता है उसको मुझे थोड़ा बोलना है ना। अभी तो मैं इस सब्जेक्ट का 2-3 फंडा बोला ही नहीं हूँ, तब जाके लगेगा कि सब्जेक्ट का सर एप्लीकेशन कहाँ पे है। एक दो स्टडी बोलूंगा इसका, ठीक है, एक दो स्टडी में बोलूंगा, अभी बोलूंगा, थोड़ा सा मुझे ये करने दो। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जैसे मैंने तुमको एक इंटीग्रेशन दिया, एक इंटीग्रेशन दिया साइन एक्स डी एक्स, कर दोगे? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, अब कर दोगे, ए भी कर दोगे, कोई भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ना ऐसा। अब मैं तुमको एक इंटीग्रेशन दे रहा हूँ, तो क्या बोलो, तो ए भी दे दिया और अपने मन से कोई भी एक फंक्शन दे देंगे, एक साइन एक्स लॉग एक्स
रूट ऑफ आर एक्स ई टू दी पावर एक्स, बोलो और क्या दे, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब थ्री टू दी पावर एक्स, और कुछ दे, कॉसेक दे दिए सर, एक बार ला कॉसेक डी एक्स, ऐसा कुछ दे दिया। इसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सर, ये कहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब में एक एक मेथड्स है, कुछ में तीन मेथड है, कुछ में चार मेथड है, सभी मेथड को हम लोग देखेंगे, उसका थ्योरी देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी मेथड हम लोग खुद से नहीं बनाएंगे, खुद से बनाने का हम लोग का ये नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जो है उसको पढ़ लिया समझ लिया और एग्जाम में उतार लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ लिया मैं समझ लिया तुमको समझा दिया, ठीक है। एक टीचर का तो यही है ना, हम लोग थोड़ी मेथड बनाते हैं, मेथड बनाने में के लिए वो लोगों का सालों साल गुजर जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। कोई घर में जाके इसको डायरेक्ट सॉल्व करने मत निकल जाना, वेस्ट होता है टाइम, उससे अच्छा कुछ दूसरा काम कर लो, किसी का हेल्प कर दो, भला होगा तुम्हारा, ठीक है, समझ पा रहे मेरे बात, ठीक है। इसको मत करना, इसको कैसे करेंगे हम लोग, बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, क्या बोलो, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्या, इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्या, इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्लियर मेरी बात, ए, बात क्लियर है। ए, कोई मुझे बोलोगे इक्वेशन कहां पे देखे थे, इक्वेशन कहां पे देखे थे, एक्स इक्वल टू क्या, लैम्डा एक्स, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स कहां पे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। सर ये हम लोगों ने देखा था, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब कोई मुझे बोलोगे मेरा जो ये मैट्रिक्स है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को मैंने 50 क्रॉस 50 कर दिया, 100 क्रॉस 100 कर दिया, हाँ अब क्या होगा, अब तो पंखा उड़ जाएगा तुम्हारा, रहेगा पंखा कुछ कुछ नहीं रहेगा। सर 100 क्रॉस 100 से कर देंगे, कभी कैसे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल मेथड चाहिए ना। सर 3 क्रॉस 3 दीजिए, लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिटरमिन करेंगे, इक्वालिटी जो करेंगे, सर 1 2 3 आ गया आंसर, देखिए हो गया, ठीक है। वैसे नहीं होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अब तुम बोलोगे सर आप ये सब चीज क्यों बोल रहे हो, 100 क्रॉस 100 का तो मैट्रिक्स होता ही नहीं है, होता नहीं है मतलब तुम बोलना चाह रहे हो। सर मेरे क्लास में तो कभी कोई बुक में नहीं देखा, 3x3 है, 4x4 है, ज्यादातर ज्यादा 5x6 रहता है, उसमें कुछ कुछ जीरो भी रह जाता है, एडजस्ट हो जाता है, कुछ ये हो जाता है। अरे बुक में क्या डाला जाता है, जो सर कर सकता है, जो तुम कर सकते हो, जो सिलेबस में है, क्लास 9-10 के बुक में अगर 100 क्रॉस 100 वाला मैट्रिक्स देगा तो क्या पढ़ेगा, पढ़ाई तो नहीं करेगा ना, समझ पा रहे मेरी बात, ठीक है। बट एक बात मुझे बोलो तो, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है, एक ऐसा टॉपिक है जो सबको पढ़ना पड़ता है ना, इंजीनियरिंग में चले जाओ उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा चीज को हम लोग मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात बोलो तो, एक कंपनी में कितना सारा चीज इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा चीज इन्वॉल्व होता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद कितना एम्प्लॉय है, किसको कितना सैलरी देना पड़ता है, किस कंपनी किस वेंडर से कितना मटेरियल लेना पड़ता है, हर एक चीज इन्वॉल्व होता है ना। तो वहां पे 2-3 मैट्रिक्स का काम नहीं होता है, 2-3 मैट्रिक्स का काम कहाँ पे होता है, जहाँ जो एकदम से छोटा दुकानदार है, छोटा मैन्युफैक्चरर है। बट बड़ा मैन्युफैक्चरर तो एक कंपनी तो कोई कंपनी है तो मोबाइल का कंपनी एक साल में 20-25 मॉडल निकाल देता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसर यूज होता है, क्या क्या चीज यूज होता है, कितना क्वांटिटी में कहाँ पे क्या लगेगा, समझ पा रहे मेरी बात। तो माने सिंपल बात, एक कंपनी में एक बिजनेस में बहुत सारा क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब बहुत सारा क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स का जो रो कलम है ना, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तब काम करने में दिक्कत होगा ना, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो एक बात सुनो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम तो है, साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो क्या करते हैं बोलो तो, आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर्स, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई क्या, न्यूमेरिकल मेथड। अच्छा ठीक है, बहुत सारा मेथड है, गॉस एलिमिनेशन है, गॉस जॉर्डन है, ठीक है, और भी है, हम लोग अभी नहीं देंगे। सिंपली हम लोग बोलना चाह रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिस्टम ऑफ, नोट पे सब है, नोट पे मैं दे दूंगा ये सब, नोट पे सभी लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है बोलो, ठीक है यहाँ पे तो ये बात हो गया। ठीक है, तो एक कुछ बात मैंने बोला, धीरे धीरे हम लोग बाद में आएंगे। और एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ब ट्रेसिंग, कार्ब ट्रेसिंग से मैंने कार्ब ट्रेसिंग एक टॉपिक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह आए थे पैराबोला को, जैसे तुम लोग स्टैटिक्स में थोड़ा बहुत किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात सुनो, अभी जो हम लोग देखेंगे कि एक बात मैं कुछ बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस का मैंने जस्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया। अच्छा, अब इसमें एक बात सुनो, इसका इंपॉर्टेंस क्यों होता है, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं एक दो सिर्फ स्टोरी बोलूंगा। 1996 में मिस्टेक हुआ मुझे लग रहा है, एक मिशन था ये, क्या था, ARIN 5। ठीक है, तो यूरोप कम्युनिटी का एक ये है, ये क्या था, एक जैसे स्पेस का जो काम है ना, कि कोई चीज़, कोई स्पेस का कुछ क्या करना है, कुछ मिसाइल है, कुछ भी है, उसको क्या करना है, बाहर में लॉन्च करना है। ठीक है, जैसे अभी नासा वासा जो करता है, इसरो जो करता है, ठीक है, यूरोप का ही है। 1996 में क्या है नाम, ARIANE 5। ठीक है, तो ARIANE 5 1996 में ये लोग क्या किए थे, 15 ईयर्स का रिसर्च था, 15 ईयर्स के ऊपर काम किया था। उसके बाद 1996 में 3rd जून लिख देते, मुझे नहीं जितना लग रहा है 3rd जून होगा, 3rd जून में 15 ईयर्स का रिसर्च था, 7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, 7 बिलियन डॉलर, हाँ बोलो, 7 बिलियन डॉलर का सब मिला के खर्चा था, और 1 बिलियन का था इसका खर्चा, जिसको लॉन्च किया जाएगा। तो टोटल कुल मिला के कितना हो गया, 8 बिलियन डॉलर। ठीक है, क्या बात हुआ जानते, इसको जब लॉन्च किया गया ना, 5 सेकंड के अंदर एकदम पूरा जैसे गया ना, पूरा 90 डिग्री घूम के पूरा ध्वस्त हो गया, मतलब पूरा खत्म हो गया। अच्छा, 5 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। अब तुम बोलोगे सर ऐसे तो हम लोग न्यूज में भी सुनते हैं, तो आप क्यों ये सब बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे एक न्यूमेरिकल का एक रिजल्ट है। बाद में क्या होता है, टीम बैठता है, ये हुआ, माने ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये जो तुम्हारा जो मिशन है ये तो फेल हो गया ना, इसके पीछे रीजन क्या था। बाद में जब इसको देखा गया ना, तो रिपोर्ट में एक ऐसा चीज आया ना, तो देख के तुम चौंक जाओगे, क्या रिपोर्ट में, एक कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद चलता है ना, पॉइंट के बाद सपोज 0 1 2 3 7 8 ऐसे करते करते 24th नंबर डिजिट पे एरर आ गया था सर, इतना कम एरर के लिए वो कोलैप्स कर गया था सर। हम लोग तो जब दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं 12.999। अच्छा, हम लोग 13 रुपया दे देते हैं और दुकानदार को बोल देते हैं कि देखो मैं तुमको 0.01 रुपया दे दिया। हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग बहुत ये है, होता है ना, करते नहीं हो, हाँ होता है, तो जोमेटो या फिर कोई अमेजन से कुछ देने आता है, 699 हुआ, तुम 700 दिए, नहीं 1 रुपया नहीं चाहिए, आप लोग 1 रुपया क्या ले, ठीक है। अब वो लोग डायरेक्ट अमेजोन इसमें दे देते हैं, कैश लोड कर देते हैं, अमेजन पे में कैश लोड कर देते हैं, समझ पा रहे मेरे बात, हाँ। तो 0.01, यहाँ पे 0.01 का मतलब, और यहाँ पे किसका मतलब, समझ पा रहे हो, बोलो बोलो क्लियर हो पा रहे, नंबर का जो है, न्यूमेरिकल का जो वैल्यू है, वो किस जगह पे यूज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है,
मैंने बोला एक, तुम क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे जब तक कुछ नहीं बोलेगा, एक करोड़। अब क्या बोलोगे? हाँ सर जाना है आपके साथ, जाना है, बोलोगे ना ऐसे? मैंने बोला एक सौ, तो मेरे पास ही है। समझ पा रहे मेरी बात? लॉजिक क्लियर है ना? वो ये हुआ क्या, देखो तो एक बार, ठीक है? ए बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? ए अब मैं तुमको कुछ बात बोल रहा, ये बात क्लियर हुआ? ये कोई स्टोरी नहीं है, सर्च करके देख लेना, अभी गूगल में मिल जाएगा तुमको। है ना सर, आपने एक स्टोरी बनाया है, उसके बाद ये लगा दिया है कुछ नाम, सर्च करके देखना, गूगल में मिल जाएगा, ठीक है? 1996 में था। तो एक बात समझ लो, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बोलो? ए तुम बोलोगे सर ये कैलकुलेशन में क्या आता है, ये कैलकुलेशन में क्या आता है? सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग आता है ना, तो इसका मतलब इसको एक, अगर मैं बोलूं धीरे से जाऊं, अगर मैं बोलूं कि अगर पांच ठो सॉफ्टवेयर का एक क्या है, पांच ठो सॉफ्टवेयर का डिसर्ट माने सॉफ्टवेयर के वजह से, सॉफ्टवेयर के फेल्यूअर के वजह से पांच ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट, अच्छा उसमें एक ही आता है। अब वो सॉफ्टवेयर में क्या होता है? प्रोग्रामिंग। और वो प्रोग्रामिंग में एक कैलकुलेशन गलत हुआ है, तो मैंने बोला न्यूमेरिकल का। अरे जो न्यूमेरिकल काम करेंगे हम लोग, इसी को ही तो प्रोग्रामिंग में करेंगे ना। एक बात बोलो तो सर, आप जो न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हो, इसको डायरेक्ट कैसे एप्लीकेशन करता है? देखो पहले तो हम लोग प्रोसेस पढ़ाएंगे, अच्छा प्रोसेस पढ़ाएंगे, मेथड समझाएंगे, ये समझाएंगे, जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने बोला सर ये क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के लिए एक मेथड आएगा, उस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करेंगे, उस एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट देखेंगे, अगर राइट आया है तो हम लोग क्या करेंगे और दो तीन बार करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ सर ये सब परफेक्ट है। ऐसे करते ना, फिजिक्स में क्या करते थे, कोई भी प्रैक्टिकल कैसे करते थे, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको ले लेते थे। अब वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए सेट बैठता है, किस प्रैक्टिकल के लिए सेट बैठता है, यहाँ पे क्या देखेंगे, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो मुझे दो, न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग देखेंगे किसके साथ कौन सा सेट है, एरर के लिए क्या सेट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या सेट है, कहाँ कहाँ पे क्या लगेगा, मुझे कितना सिग्निफिकेंट चाहिए, सब कुछ मैं एडजस्ट करके मैं अपना कैलकुलेशन करूंगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे वो रिजल्ट कैसा आया। प्रोग्रामिंग में करते हो ना, रन करके देखते हो, एग्जीक्यूट करके देखते हो, वो रिजल्ट अगर रन कर गया तो उसके बाद फिर से एक दो बार अगर देख लेते हो क्या होता है कि नहीं सर कन्फर्म है, ठीक है वही काम करेंगे, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये तो हुआ इसका बात, कुछ बात मैं और लिखूंगा, यहाँ पे तो ये हो गया। ए, मेरे पास कुछ रुपया है 2.12 7 8 9 3 4, ठीक है वही मैंने बार बार लिखा, वही बार बार लिखा, दो रुपया है। और सर तुम बोल रहे हो सर इतना बार बार क्यों लिख रहे हो सर आप, 2.12 7 8 9 3 4 ये लिखा मैंने, ठीक है। कौन बोला मुझे तुम्हारे ये जो रुपया है दो रुपया है, मैंने तो लास्ट में कुछ लिखा ही नहीं है। अब लिख रहा हूँ देखो क्या हो गया, 2000 समथिंग कुछ। हाँ अब यहाँ पे क्या लिखूंगा जानते हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा। इसको देखोगे तो तुम बोलोगे सर नहीं जाना है सर आपसे, दो रुपया सिर्फ है आपके पास, ठीक है, अच्छा नहीं जाना है, ठीक है। इसको देखोगे तो सर चल जाएगा सर, थोड़ा बड़ा मिल जाएगा बाहर में कुछ खाना वाना, बट यहाँ से तो बहुत सारा कुछ है। तो समझ पा रहे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है बोलो तो, तुम किस वैल्यूज के ऊपर काम कर रहे हो। एक बात बोलो तो, कोई चीज हो रहा है तुम्हारे पास ए है, अच्छा इतना रुपया है, तुमने क्या बोला कि तुम बोलोगे जो दुकानदार है ना उसको बोला कि देखो मैं आपको ये दे दूंगा, कोई बात नहीं है मेरे से, आप रख लीजिए कोई बात नहीं है, रख लेगा ना वो, तुम भी रख लोगे वो भी रख लेगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ अब इसको ये दे दो, 1.127 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 127 रुपया आएगा ना। अब थोड़ा ऐसा होगा चिकन मटन बिरयानी तो हो जाएगा, क्यों दे उसको, अब क्या होगा बोलो तो, अब क्या होगा, अब दे दोगे तो क्या होगा बोलो तो, कितना दे दिया तुम, हाँ कितना होगा, 1.27 8 9 3 4 कितना लाख, मैंने कितना लाख, 12 लाख आ रहा है, 12 लाख 78,934। तो सर इंपॉर्टेंस है
हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किस यूनिट पे कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? सेम वैल्यू लिया, 1000 में काम कर रहे हैं, करोड़ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपेंड हो क्या हो रहा है, तुम किसको ये कर रहे हो। ए, इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो ना, इग्नोर कर सकते हो। तुम्हारे पॉकेट में हजार हजार बैंक बैलेंस इतना है, एक दो कॉइन गिर जाता है ना तुम उठाते नहीं हो, क्यों? कारण तुम्हारे पास इतना मनी है। बट अगर मनी कम होगा तो एक दो रुपया में से क्या हो जाएगा, कम से कम चाय का एक प्याला तो हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, इंपॉर्टेंट है ना वो। हाँ, और फिर दूसरा कुछ भी हो जाता है, मैं अब नहीं बोला, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? ए बोलो बोलो, तुम लोग सभी समझते हो, देखो ए क्लियर है मेरी बात ना, ए बोलो बोलो क्लियर है मेरे, ए मेरा बात समझते हो ना। अब सुनो, यहाँ पे सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि तुम किस जगह पे काम कर रहे हो। एक बात बोलो तो, मेरे जो मार्कर है, इस मार्कर पे मैं जब इंक डालता हूँ, इस मार्कर पे मैं जब इंक डालता हूँ तो मुझे ध्यान से डालना पड़ता है कि मुझे क्या लगता है कि अगर वो फिल अप हो जाए उसके बाद भी अगर थोड़ा सा एक मिलीमीटर भी अगर ज़्यादा हो जाए ना वो गिर जाएगा, इसमें इंपॉर्टेंस ये है ना, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट आ जाओ, एक बात बोलो तो, हर एक कंट्री मिसाइल रखता है अपना अपना, हर एक के पास अपना अपना मिसाइल है, और जो हाईफाई कंट्री होता है ना उसके पास एंटी मिसाइल भी होता है। क्यों? एंटी मिसाइल क्या करता है, एंटी मिसाइल मिसाइल अगर आएगा उसको ट्रैक करके उसको वहां पे ही खत्म कर देगा, हवा में ही वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ नीचे से क्या दिखेगा, होली दिवाली दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, अरे ऊपर में हवा हो गया तो नीचे से क्या लगेगा, दिवाली हो गया, ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात? फिर से बोला हूँ मैं, क्या मैंने बोला कि मिसाइल हर एक कंट्री बनाता है, और वो मिसाइल क्या, एंटी मिसाइल खूब बहुत सारे कंट्री के पास नहीं होता है, जैसे अमेरिका के पास है, इंडिया के पास है, उसका नाम क्या है अभी तो, हाँ, S-400 अभी नया लिया है, कि नाम क्या था, राफेल एंटी मिसाइल कहाँ पे होगा, राफेल तो ये है एक, हाँ ऐसा कुछ होगा, ठीक है मैंने वो बाहर से लिया है, ठीक है। ए सुनो, रशिया ये सब डील करता है, अमेरिका के पास, चीन के पास भी ये सब बहुत है, मैंने वो लोगों के पास तुम कोई भी मिसाइल दे दो, वो लोगों के पास हाई पावर का ये सब है, मैंने वो लोग मिसाइल का कोई ये नहीं, कुछ काम ही नहीं कर पाओगे तुम वहाँ पे मिसाइल का, ठीक है। बट एक बात बोलो, मिसाइल का जो एंटी मिसाइल होता है ना, ये हर एक टाइम सक्सेसफुल भी नहीं होता है, तुम सुनना कभी कभी, इस कंट्री के पास तो एंटी मिसाइल था बट मिसाइल कैसे वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, होता है ना, क्या होता है कभी कभी उस कैलकुलेशन में ना कभी कभी मिस्टेक आता है, ठीक है। फिर से एक हिस्टोरी है, मैंने स्टोरी नहीं, फिर से एक हिस्ट्री है, 1991, ठीक है, 1991 अगर मुझे याद आता है ना तो मैं बहुत कपिल शर्मा शो देखता हूँ, वो जो ये था ना, क्या बोलते हैं कि सिद्धू, उसको बोलता है 1991, उसको वो ये हो जाता है, जीरो बॉल में आउट हो गया था, ठीक है, वो वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उसका कोई बात नहीं है। 1991 में इजराइल और कुवैत के बीच में जंग हुआ था, ठीक है, इजराइल और कुवैत के बीच में जंग हुआ था, और इजराइल और कुवैत ये सब का जो जंग हुआ था, और इसमें जो उसका अस्त्र शस्त्र होता है वो लोग कौन प्रोवाइड करता है, इधर रशिया नहीं तो अमेरिका, रशिया अमेरिका ये सब क्या करता है, ये लोग, ये सब जो कंट्री है इसमें सिर्फ कोशिश करता है कि ये लोगों के बीच में क्या लग जाए, वॉर लग जाए, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिजनेस जब नहीं चलता है तो यहाँ से बिजनेस भी बहुत चलता है, कुछ कंट्री, रशिया तो यहाँ से इनकम करता है, रशिया का मेन इनकम डिफेंस है, अगर वार का पैनिकटेशन नहीं रहेगा सबके दिमाग में, हाँ तुम्हारे दिमाग में डर बैठा गया है कि बगल वाला तुमको उड़ा देगा, बट बगल वाला जो सोचता नहीं है, तुम भी सोचते हो कि वो सोचता है तुम सोचता है तुम उड़ा दोगे, तुम सोचते हो ये उड़ा दोगे, ऐसे करने में क्या होता है, अब सभी चाहते हैं अपना सेल्फ डिफेंस हो, सभी कंट्री चाहता है अपना सेल्फ डिफेंस हो, और उसके लिए वो क्या करता है,
वो क्या करते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस को उस बजट को इंप्रूव करते जाता है, होता है ना, बट ये चाहिए भी। और असल में इसमें फायदा कौन लेता है, जो कंट्री उसको एक्सपोर्ट करता है वो सब, वो फायदा लेता है, ठीक है। कंट्री में जो पर्सन है उसको खाना नहीं मिलता है, बट करोड़ करोड़ को मिल जाता है। अब तुम बोलोगे सर ओके गलत है, नहीं सही भी तो है। अगर कोई तुमको आके तुम्हारे कंट्री में कब्जा कर ले तब क्या करोगे? तो दोनों तरफ से है। इसमें फायदा कौन लेता है बोलो तो, जो बाहर आके पूरा सिस्टम में टेंशन पैदा करता है। टेंशन से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेंशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चलो हम भी एक बंदूक ले लेंगे घर में, बंदूक ले लेंगे, कोई आएगा ना डराने, क्या बंदूक है बाहर कर देंगे, वो भी चला जाएगा, होता है ना, ये टेंशन से होता है। अगर टेंशन नहीं रहता है ना, जहाँ पे टेंशन नहीं है ना, वो लोग बंदूक बंदूक नहीं रखता है, वो लोग क्या रखता है, अच्छा अच्छा कुछ खाना वाना रखता है, आओ अच्छे से खिला देंगे, ठीक है, समझ पा रहे मेरे बात, पार्टी वार्टी दे देता है, ठीक है। ए बोलो बोलो, ए चलो इसका जो बात है मैंने नहीं बोला, इजराइल कुवैत के बीच में क्या हो रहा था, जो वार हो रहा था उसमें इजराइल और कुवैत में क्या हो रहा था, एक जन के पास मिसाइल है, अब किसके पास मिसाइल है, किसके पास एंटी मिसाइल है, वो मैं नहीं गया, ठीक है। एक जन ने मिसाइल बहुत सारा छोड़ा था, एक मिसाइल वो एंटी मिसाइल उसको ये नहीं कर पाया, कुछ 0.34 सेकेंड, इस वजह से क्या नहीं होगा, वो मिसाइल जो है ना वो एंटी मिसाइल उसको डिमिनिश नहीं कर पाया, एक्सप्लोर कर गया, और उसके लिए अमेरिकन 28 अमेरिकन मिलिट्री खत्म हो गया। तुम बोलोगे सर इज़राइल कुवैत का बात हो रहा है, अमेरिका का बात क्यों कर रहे, अरे अमेरिका का इज़राइल कुवैत में वो लोगों का पहले से टारगेट है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ना अमेरिका ही एकमात्र कंट्री है जो सबसे ज़्यादा, जो तुम्हारा ऑयल कंट्री है ना उसको ज़्यादा टारगेट, इराक ट्रैक में देखो वो लोगों का घाटी ज़्यादा सबसे वहाँ पर ही है, वो लोगों के बीच में अगर कोई लड़ाई वड़ाई होता है ना तो ज़्यादा टेंशन अमेरिका का होता है, चीन को उतना नहीं होता है, चीन को भी होता है कह रहा हूँ, अमेरिका का टेंशन माने चीन का भी टेंशन, ठीक है। तो ये बात है, एक समझ पा रहे मेरे बात, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो कहाँ पे है, बहुत हाई लेवल पे है सर, इसका काम बहुत हाई लेवल पे होता है, ठीक है। तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे कि 24 वाला डिजिट में वो कैसे उसको करेक्ट करेंगे, वो वाला नहीं करेंगे, बाद में तो सुधर गया था, ठीक है, बट हम लोग ये समझ गए सर न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस बहुत है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे मैं तुमको एक बात बोला, फ्रेंड के बीच में होता है ना, 2 बजे आओ हम लोग क्या करेंगे, पार्टी करेंगे या फिर थोड़ा खाना वाना करने जाएंगे, ठीक है, टाइम बोला, फ्रेंड आए कब, 15-20 मिनट बाद आए, ठीक है, एक दो बार डांट दिए या फिर नहीं भी डांटे, कोई कोई नहीं डांटता है, क्यों नहीं डांटता है, वो हर रोज ऐसे ही आता है, क्यों डांटेंगे उसको, वो तो उसका रूल है। बट मुझे एक बात बोलो तो, कुछ ये है, एयरपोर्ट है वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट क्या है, कुछ बोल दे एक दो, शंघाई बोल दो, चलो शंघाई बोल दो, उसमें एक एक मिनट का इंपॉर्टेंस है ना, हाँ मैंने बोला कि एक 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 प्लेन अगर वो 2 बजे आएगा, अगर वो 15 मिनट लेट कर जाएगा तो उसको उतारने देगा, उसको उतारने के लिए टाइम कहाँ मिलेगा, उसको देगा, बाद में बोलेगा तुम अभी पहले घूमो, आधा घंटा एक घंटा घूमो, अभी जिसका जिसका शेड्यूल है उसको करने दे, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो वहाँ पे एक एक मिनट का इंपॉर्टेंस है, और स्पेस में तो एक एक सेकंड क्या बोले, एक एक माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड का इंपॉर्टेंस होता है ना, स्पेस में एक एक नैनो सेकंड का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, अभी नैनो सेकंड का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, अभी चला आते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया, नेक्स्ट आ जाओ, ए तुम लोग कभी मिलेनियम बग के बारे में नाम सुने, मिलेनियम बग, बग का नाम सुने सर, बग, हाँ BUG बग, क्या बोलते इसको, ओ मिलेनियम पार्क, क्या बोलते हो तुम लोग, ठीक है सर, ठीक है क्लास खत्म कर देंगे तो मिलेनियम पार्क में चला जाना, मिलेनियम बग बोला मैं, मिलेनियम पार्क क्यों आएगा यहाँ पे, है सुनो मिलेनियम बग, इसीलिए पहला लिखा करना, पहले लिख देना चाहिए, मिलेनियम बग जानते हो क्या होता है, ए बग का मीनिंग कहाँ से है जानते हो, बग बोलते ना सब टायर में बग है, एरर है, मतलब उसमें लूप होल कुछ है, लूप होल के वजह से सब जन कोई ना कोई फायदा लेके चला जाता है, होता है ना, बहुत सारा कुछ कंपनी में ऐसा ऐप निकाल दिया, पहले तो निकाल दिया और बीच बीच में कहीं पे लूप होल है, और वो लूप होल किसी को मिल जाता है ना तो वो क्या कर देता है, उसमें वो जो कर सकता है वो उसका ऑफर यूज कर लेता है, ठीक है, उसको बग बोलते हैं, बाद में उसको फिश भी किया जाता है, कंपनी से फिश करता है, फिर से एक दो बग आ जाता है,
ऐसे बग आता है, बग मतलब क्या, अंदर मिरर। सर इसका नाम बग क्यों है, बग का मतलब क्या है, खटमल ना, कीट पतंग को तो बोलते हैं बग। हाँ ऐसा क्यों हुआ था जानते हो, 1941 में वायरलेस कम्युनिकेशन करने के टाइम एक बार एक मैसेज नहीं गया था। वायरलेस में तो मैसेज आता है ना, अब उसमें वायरलेस तो है बट बीच में कहीं पे तो वायर है ना, दो मशीन के बीच में तो वायर होता है, ठीक है, वो जो वायर है ना उस वायर के बीच में दो बग आ गया था, मतलब दो खटमल, और उसके वजह से कम्युनिकेशन में क्या हो गया, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गया था सेकंड वार के टाइम, ठीक है। अब से उसका नाम क्या पड़ गया, वायरलेस कम्युनिकेशन के बीच में एक प्रॉब्लम आ गया तो क्या आ गया था, बग आ गया था, इसलिए उसको बग बोला जाता है, जानते हो, ये मेन रीजन बग बोलने का। और मिलेनियम बग क्या है सर, एक बात बोलो, जैसे मैंने बोला कि जुलाई 13, 1981 एक कोई भी एक डेट है, एक बात बोलो, जब ये 19th century चल रहा था यहाँ पे, एक बात देखो, इसको शॉर्ट में तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 07 13 81 ऐसे लिख सकते हो ना, पहले मैंने मंथ को लिख लिया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखने से क्या दिक्कत होता है जानते हो, जब 1981 जो 1990 91 92 99, बोलो दिसंबर 31 1999 क्या होगा, इसमें क्या लिखोगे, इसको 12 31 1992 कितना आगे, कितना यूज हुआ बोलो तो, स्पेस कम यूज हुआ ना, स्पेस कम यूज हुआ तो 6 में काम हो जा रहा था, अब जब क्या आ गया, अब 2000 जब आ गया, 2000 आ गया ना, अब क्या करोगे इसको, तुम कैसे लिखोगे, क्या ए बोलो, चलो ए बोलो, जुलाई का 13 तारीख 2000 बोलो कैसे लिखोगे, 07 13 00 क्या मीनिंग हुआ इसका, अरे इसका मीनिंग क्या हुआ बोलो तो, एकदम से कहाँ चला गया, जो पहला साल था, एक पहला माने एकदम बीसी जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, समझ पा रहे हो, एक इसको क्या बोलते हैं बग। बहुत सारे टाइम में हम लोग क्या करते हैं, घर में भी करते हैं, घर में तो बना लेते हैं बहुत सारा कुछ, घर में बना लेते हैं, थोड़ा सा बहुत सोचते हैं कि जे नहीं लड़का लड़की है इसके लिए भी सोचना पड़ेगा, ये घर को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा, बहुत जन आता नहीं मैं 20-30 साल रहूंगा बाद में मेरा लड़का आएगा वो कर लेगा जो करेगा करेगा, तो ये जो है ना वो फर्दर नहीं सोचा, इसलिए बाद में क्या हुआ बोलो तो, 20-30 साल बाद उस घर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको फिर से डील करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका प्रॉब्लम था, कुछ कुछ कंपनी जो था वो इसमें काम कर रहा था, अब इसमें काम कर रहा था, जो इसमें काम कर रहा था उसको क्या प्रॉब्लम होगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा ना, उसको सही करना पड़ेगा। और जो इससे काम कर रहा था 07 13 81 1981 जो इससे काम कर रहा था उससे क्या होगा, तुम बोलोगे सर ये जब काम कर रहा था ना इसको दो कुछ रुपया का सस्ता पड़ रहा था, जगह कम लग रहा था ना, अरे जगह कम लग रहा था, इसको जगह ज्यादा लग रहा था, अरे जगह कम ज्यादा लगने से थोड़ा प्राइस कम ज्यादा होता है ना, कोई भी काम करने में टाइम कंजम्पशन में कम ज्यादा होता है। अब देखो ये क्या सोच के काम किए थे कि थोड़ा टाइम कम लगे खर्चा कम हो, बट बाद में क्या हो गया वो फंस गया, क्योंकि वो सोचा ही नहीं कि एक टाइम के बाद 2001 आएगा 2002 आएगा तब क्या करोगे, समझ पा रहे हो मेरे बात, इसको बोलते क्या, मिलेनियम बग, ठीक है, क्लियर है मेरे बात, ये न्यूमेरिकल का ही एक लॉजिक है ना, इंपॉर्टेंस तुमको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखे, जो बात बोले एक तुम लोग थोड़ा थोड़ा कर लिखे हो ना, नहीं लिखे हो, ठीक है, तो ये सब मैं दे दूंगा, एक बार काम करते हैं, डेफिनेशन लिखो तू,
डेफिनेशन लिखो, लिखो न्यूमेरिकल एनालिसिस का डेफिनेशन लिखो।